आश्वासन जो है अधिकारी द्वारा दिया गया? जी सर, बहुत बहुत नमस्कार। आज जो है वो पंचारी का शिष्टमंडल जो है ARTO उधमपुर से मिला है। हमारे जो है कुछ क्योंकि अब स्कूल खुलने लगे हैं तो ये जो हमारा पंचारी वाला रूट है इस पर काफ़ी जो है वो ट्रैफिक रहता है। अधिकतर बसें जो हैं वो बाईपास होकर सीधी लांदर जाती हैं, तो पंचारी के लिए कोई बसेस नहीं है। सिर्फ एक बस जो है वो पंचारी जाती है दिन में। तो आज जो ये शिष्टमंडल सारा इसलिए आया हुआ था, हमारे साथ कई सरपंच पंचारी आए हुए, चुलना आए हुए हैं, सरपंच हमारे साथ कोलटाड़ आए हुए हैं, सरपंच सुमन आए हुए हैं और कई साथी पंचायती राज के और आम लोग भी आए हुए हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा था वो यही था कि हमें जो एक अतिरिक्त बस जो है वो दी जाए और हमारे वहाँ जो है एक बस अवेलेबल भी है जिसको उस रूट पे लगाया जा सकता है और उसी के संबंध में आज हमने जो है ARTO उधमपुर से रिक्वेस्ट की है। और क्योंकि अब स्कूल खुलेंगे तो वहाँ मेन हाई सेकेंडरी है, तहसील हेडक्वार्टर है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उस रूट पे जो ट्रैफिक है उसको देखते हुए हमने रिक्वेस्ट की ARTO से कि हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जाए और एक एक्स्ट्रा बस जो है हमें एक्स्ट्रा भी नहीं है क्योंकि वो टाइम एक्चुअली अवेलेबल है, 7:45 सुबह का जो टाइम है वो अवेलेबल है पंचारी के लिए। तो हमने उसी टाइम पर कहा है, एक रिक्वेस्ट की है, हमने बस का प्रपोजल भी दिया है और ARTO उधमपुर ने जो है वो हमें जो है वो इश्योर किया है इस मामले पर कि इस मामले पर हमारी पूरी जो है वो सपोर्ट करेंगे। और दूसरा एक जो उधमपुर लड्डा रूट है इसमें भी जो है एक खाली है जो है वो पिछले 2-3 महीने से लगातार जो है ये इलाका जो है कटा हुआ है पूरे तहसील हेडक्वार्टर से। और आज हमने ARTO उधमपुर से रिक्वेस्ट की है कि जो उधमपुर जो लड्डा रूट है इसको भी खोला जाए और जितनी जल्दी हो सके इस पर जो है बस सेवा बहाल की जाए। और हम सबका यही मानना है, ARTO सर ने हमें श्योर किया है कि जो हमने रिक्वेस्ट उनके पास लेके गए थे, हमारी अपनी एक बस वहाँ अवेलेबल है मेन लोकल पंचायती की, तो उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट को सुना भी है और हमें श्योर किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी समस्या को जल्दी से हल की जाए। क्या माना जाता है अधिकारी द्वारा कि कब तक जो है ये बस सेवा शुरू कर दी जाएगी? आप नहीं, उनका कहना है कि विद इन डेज में उसमें बस सर्विस को जो है शुरू किया जाएगा क्योंकि हमारे जो बस सर्विस जो देना चाहते हैं वो वॉलंटियर है वहाँ सर बस सर्विस देने के लिए और अपनी वहाँ की लोकल बस है और जो उसके मालिक हैं उस टाइम अनएम्प्लॉयड हैं और कोरोना के बाद वो सारा रुका हुआ है सारा सिस्टम, तो वो वॉलंटियरली आगे आए थे कि मैं अपनी सर्विस देना चाहता हूँ पंचारी के लोगों को, तो उन्हीं के साथ जो है वो आज ये सारा सिस्टम जो है पंचारी से आया हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि एक दो दिनों में जितनी जल्दी हो सकेगा ये सेवा जो है शुरू की जाएगी।